तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल एस के बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, ए पी एस और इंडियन बैंकिंग पोर्टल रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस वाइस मनी पोर्टल में। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बहुत लोग परेशान है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 30 मिनट वाला प्रॉब्लम या फिर सस्पेंडेड फ्रॉड वाला प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों का सॉल्व हो गया है, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं और अच्छी तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों उसका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसे कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों वीडियो में एंडिंग पार्ट तक बने रहेगा भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई कि जब आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का जब भी ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, तो जब एपीएस पर क्लिक करते हैं तो इस एपीएस में वहाँ पर लास्ट में एकदम ऊपर देखते होंगे तो पावरवे बाय यस बैंक, पावरवे बाय आईसीआईसी बैंक, पावरवे बाय एनएसडीएल पेमेंट बैंक, पावरवे बाय आरबीएल बैंक, पावरवे बाय इंडसलैंड बैंक, इतने बैंक जो है स्पाइस मनी चलाती है। लेकिन दोस्तों इसमें दो ही बैंक जो है मेन तरीके से काम करती है, जो है आरबीएल बैंक और यस बैंक। ये दो बैंक अगर पावरवे बाय आपका है तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हो जाएगा, नहीं तो इससे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जो है इसमें बैंक चेंज है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 30 मिनट वाला प्रॉब्लम या फिर सस्पेंडेड फ्रॉड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा वो सोल्यूशन कैसे होगा। तो दोस्तों वीडियो में एंडिंग पार्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप की तरफ पीसी स्क्रीन में, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में और चलते हैं, आपको सबसे पहले दिखा देते हैं पहला चरण क्या है। तो मैं आपको इस वाइस मनी का जो है उसे सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में अपना ये नंबर, इसे जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 9355727786, यानी मैं बोल देता हूँ आप लोग नोट कर लीजिए 9355726786, इस नंबर को नोट करिए। नोट करने के बाद सेव करिए, फिर यहाँ पर कुछ भी मैसेज हाय लिख कर टाइप करिए, तो यहाँ मैं बताऊँगा किस टाइप से आता है। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूँ, जिस नंबर से आपका जो है इस वाइस मनी का आईडी है वही क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 9वें नंबर पे आ रहा है कस्टमर केयर सपोर्ट, यहाँ पर कस्टमर केयर सपोर्ट पे 9 नंबर डालने के बाद सबमिट करना है, भेजना है। भेजने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है गेटिंग एरर, यहाँ पर कुछ शिकायत जो है तो उसमें करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर 4 नंबर को टाइप करना है। यहाँ पर लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांजेक्शन करते समय समस्या आ रही है, तो 4 नंबर डालना है। 4 नंबर डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आईडी पूछ रहा है आपसे जो है उसका आईडी, तो मैं अपना जो है आपको दिखाने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, कुछ भी आईडी डाल देता हूँ। आपको अपना पूरा आईडी डालना है, मान लीजिए मैं यही कुछ भी आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, ये कुछ ऐसे ही अपने मन से कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया कि हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है, हमारी टीम समस्या का समाधान करेगी और आपको अगले 3 घंटे में क्लोजर एसएमएस मिलेगा, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, या अगले दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक क्लोजर एसएमएस मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर डालने के बाद इसे सबमिट कर देते हैं, ख़त्म। और दोस्तों मैं बता दूँ जो मेन चीज़ है कि दोस्तों आप लोग इसे हमेशा जो है संडे को ना करें, ना ही शनिवार को, यानी सैटरडे और संडे को ना करें। इससे आपको मंडे ट्यूसडे यानी कि जिस दिन बैंक बंद रहता है उस दिन नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों का कंपनी भी बंद रहता है तो ऐसे समस्या होती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आप लोग को संडे मंडे इसी दिन ही करना है, तो इसे जल्दी से जल्दी काम होएगा, 2-3 घंटे में हो जाता है। तो दोस्तों यही छोटी जानकारी थी आपको, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं, धन्यवाद।